हाय यूअर्स, मैं हूँ डॉक्टर प्रेम जी आयुर्वेदिक। आज मैं इस वीडियो में आपको दांत की हर तरह की समस्या को दूर करने वाली एक बेहतरीन पौधे के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए इस पौधे के बारे में, आप इस पौधे के बारे में जानने से पहले मेरी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी नया वीडियो अपडेट पाने के लिए। तो देखिए इस पौधे को चिरचिटा लज्जीरा पौधा कहा जाता है। इसमें दो टाइप की रहता है, एक सफ़ेद और एक लाल वाली। तो देखिए मैं आपको इस लाल वाली पौधे को अभी दिखा रहा हूँ। इस पेड़ देखने से ऐसा लाल कलर में होता है और दूसरा होता है एक सफ़ेद वाली, वो सफ़ेद वाली भी आपको दिखाएगा। पहले इस लाल वाली पौधे को यानी इस पौधे की मूल को यूज़ करके अपने को आने वाली हर तरह की दांत की और मुंह की समस्या को दूर करके कैसा ठीक कर सकता है मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बताने वाला हूं। पहले इस पौधे को अच्छा सा देख लीजिए और इधर भी है उस पौधे, देखिए ये भी लालवारी चिरचिटा पौधा है। इस पौधे को अच्छा सा देख लीजिए, ऐसा रहता है, ठीक है। इस पौधे की पत्ते को भी देख लीजिए, ठीक है, ऐसा रहता है। ये लाल कलर में होता है लाल वाली पौधे, ठीक है। और दूसरा होता है सफ़ेद कलर में, वो सफ़ेद बोलता है यानी ग्रीन कलर में रहता है, उसे सफ़ेद पौधा कहा जाता है। अब ये मैं अभी इस पौधे की मूल को यानी इससे जड़ से निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मैं इस पौधे को जड़ से निकाला है, अब इस जड़ को लेकर अपने को आने वाली हर तरह की मुँह की समस्या और दांत की हर तरह की समस्या को कैसा ठीक कर सकता है अब मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए पहले इस पौधे को अच्छा सा ऐसा रहता है, ठीक है। अब मैं इस मूल को लेकर कैसा ठीक करना है हर तरह की मुँह की समस्या को मैं अभी बताने वाला हूँ, तो देख लीजिए। ओके सो अपन लाया है इस लाल वाली चिरचिटा की पौधे की मूल को, देखिए ऐसा रहता है इस मूल। इस मूल को अच्छा सा पानी से साफ कर लीजिए, ठीक है। ऐसा साफ करने के बाद इस मूल से अपने को मुंह धोना है, वो कैसा है करके मैं आपको बताएगा। तो देखिए ये एड जो होता है यानी कि ये अंदर वाली है, तो आपको क्या करना है कि इधर जो अंदर का जो मूल का चीज़ है उसका ऊपर जो एड्ज होता है इधर कट करनी है। देखिए मैं कैसा कट कर रहा हूँ बताएगा। ठीक है, ऐसा कट करनी है, एड्ज का ऊपर कट करनी है, ठीक है। इस वीडियो में दिखाने के लिए मेरे को जो पौधा मिला है उसी पौधे को लेकर आया है, यानी कि जो छोटा पौधा है वही लाया है। लेकिन आपको जितना भी बड़ा होता है उतना बड़ा पौधे की मूल को लेकर आओ, क्योंकि ये मूल थोड़ा लंबा होना है, लंबा और मोटा होना है। ऐसा हो तो आपको मुंह धोने के लिए अच्छा लगता है, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि ये जो ऊपर का है इसे ऐसा साफ कर लीजिए, ठीक है। अब इसे आप मुंह धो लीजिए, ऐसा मुंह साफ करने से यानी ऐसा ब्रश करने से, इसके आप ब्रश जैसा करने से आपकी हर तरह की दांत की समस्या दूर होता है, जैसा कि कीड़ा दूर हो जाता है यानी कि दांत का कीड़े को यह बाहर निकल देता है और दांत से आने वाली ब्लेड यानी खून गिरना भी बंद हो जाता है। जो लोग तंबाकू और गुटखा जो सिगरेट पीता है उन लोग की समस्या भी इस मूल को धोने इस मूल से दांत धोने से साफ करने से पूरी तरह दूर होने वाली है हर तरह की समस्या, और उनकी आने वाली कैंसर को भी इसे रोक सकता है। और मुंह धोने से टॉन्सिल्स का समस्या भी दूर हो जाता है, यानी किसी को टॉन्सिल्स की समस्या है तो लोग भी इसे मुंह साफ कर लीजिए और टॉन्सिल्स भी दूर होने वाली। जैसे कि इस मूल से मुंह साफ करने से मुंह ब्रश जैसा करने से हर तरह की मुंह की पूरी तरह बीमारियां ठीक हो जाता है, पूरी तरह बीमारियां को दूर कर सकता है। और इसे इसका रस जो अपन मुंह धोने से समय पे इसका रस बाहर आता है वो आप अंदर ले सकता है। ऐसा लेने से
पेट की बीमारियां भी ठीक होता है, यानी कि कीड़े भी खत्म हो जाता है और पेट की अल्सर या पेट की हर तरह की समस्या भी दूर हो जाता है इसका रस अंदर लेने से, ठीक है। और ये इस पौधे और बहुत बीमारियां को भी ठीक कर सकता है, और ये पौधे को कैसा कैसा यूज़ करने से कौन सा बीमारियां को ठीक कर सकता है वो भी मैं अलग अलग वीडियोस बनाकर आपको बताने वाला हूँ। तो आप अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी नया वीडियो अपडेट पाने के लिए। आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।